बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजस्थान सुपरफास्ट की हम शुरुआत करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जानिए। बड़ी खबर है जालोर के ओडवाड़ा गांव से निकलकर आ रही है। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने कहा है दस्तावेजों का करें वेरिफिकेशन, संपूर्ण जाँच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई करें और तब तक किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाया जाएगा। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने ग्रामीणों को ये बड़ी राहत दी है। अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह और अन्य की ओर से ये पक्ष रखा। जिला प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के ही बुलडोजर चलाया, ये तर्क दिया गया। बता दें आपको, कल एकाएक जब बुलडोजर पहुंचा उसके बाद में चीख पुकार चित्कार वहां पर मच गई। जो महिलाएं थी वो घरों के बाहर आ गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, लेकिन प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने किसी की भी नहीं सुनी। हालांकि बाद में कलेक्टर के बीच पर प्रतिक्रिया आई। कलेक्टर ने ट्वीट किया और कहा कि किसी भी तरीके से किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, सब तरीके से किया गया, हाईकोर्ट का आदेश था, इसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ही कहा है, जोधपुर हाईकोर्ट से ये खबर आ रही, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद ही आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। एक बड़ी राहत है तमाम सैकड़ों लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान थे बुलडोजर चलने की वजह से। बता दें आपको, कहा गया कि ये ओरल भूमि जिस पर कब्जा है, बता दें आपको 1947 से पहले से यहाँ पर लोग रह रहे थे, ये बात कही गई। 50, 60, 70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे, तब किसी को याद नहीं आई। दो भाइयों का विवाद कोर्ट पहुँचा, उसके बाद में गेहूं के साथ घुन भी पिस गए, सभी का जो है वो यहाँ पर नाम आया और हाईकोर्ट ने कहा, आदेश दिया। हालाँकि अब हाईकोर्ट में जब पक्ष रखा गया तो कहा गया कि भाई अब जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रक्रिया की पालना के विपरीत हो रही है, तो पहले प्रक्रिया की पालना कीजिए, एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में। लेकिन एक तस्वीर जो आप देख रहे हो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल जो आहोर के विधायक हैं छग्गन वो भी वहाँ पर पहुँचे। उनसे भी हमने जब बात की छग्गन जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया हूँ, हमारा प्रयास है कि लोग जो है विशेष तौर पर वाड़ा गाँव में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगे। और अब ये बड़ी खबर आई है, कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का पहले वेरिफिकेशन करें। एसपी सिविल रिट बाबू सिंह एंड नरपत सिंह के केस के अंदर, जो ओडवाड़ा के अंदर इंक्रोचमेंट मान करके सरकार जो ड्राइव चला रही थी उसके खिलाफ कुछ पिटिशनर यहाँ आए थे। सरकार के ने ये कहते हुए ड्राइव चलाया कि पीआईएल के अंदर एक पीएलपीसी कमेटी जो कलेक्टर द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है, उन्होंने इनको इंक्रोचमेंट माना है, इंक्रोचर माना है और ये ऑर्डर पास किया। हमारी प्ली ये थी कि ये सारे टाइटल होल्डर है और इनके पास में 90-60 के पट्टे और सनद और जारी की हुई है और तीन पीढ़ियों से यहाँ सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी ये एश्योरनेस ली कि आप भी बिना डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के किसी प्रकार कोई इंक्रोचमेंट नहीं करोगे, और ऑर्डर आज पास किया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने और वो सारा जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही थी उसको रोका गया। सहयोगी राकेश ओडवाड़ा जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, ओडवाड़ा गांव में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस पर बड़ी राहत वहां के लोगों को मिली है हाईकोर्ट की तरफ से, अब क्या रिएक्शन उनका? देखिए, बात राजस्थान हाईकोर्ट की करें तो हाईकोर्ट ने जो ओडवाड़ा को लेकर जो आज रिट पिटीशन फायर की गई थी, एसबी सिविल रिट थी, और उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो बिना विधिक प्रक्रिया के जो कार्रवाई की जाएगी वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ पीएलपीसी में ये कहा गया था कि विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि जो 91 के नोटिस दिए गए वो जिसके वो पट्टा धारक होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये इनकी प्ली थी आज कोर्ट में कि जब हमारे पास पट्टे हैं, हम तीन दशक से यहाँ रह रहे हैं, तो उसके बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया के केवल 91 के नोटिस देके जिला कलेक्टर ने ये संपूर्ण कार्रवाई की, जबकि वो उचित विधिक प्रक्रिया नहीं थी। इसी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया इस मामले में स्टे किया है, किसी प्रकार के भी अतिक्रमण हटाने पर उन्होंने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, हर दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज का वेरिफिकेशन होने के बाद ही अगर जाँच में वो गलत पाए जाते हैं उस कंडीशन में पीएलपीसी अपना ऑर्डर नया पारित करके अतिक्रमण हटा सकती है, लेकिन तब तक किसी प्रकार का वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं होता
होता है तब तक यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने आज ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। कल तक आपने देखा था कि ग्रामीण परेशान थे जब उन पर बुलडोजर चल रहा था, क्योंकि 3 दशक से जो पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, जिनकी 3 दिन पीढ़ियां वहां बैठ गई थी, उन लोगों के जब मकान टूटने लगे तो बेबस थी उनकी आंखें। कल नहीं राकेश, हमने देखा था, कल आपने भी बात की थी और जो तस्वीरें हमने देखी थी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील तस्वीरें थी। लोग बेघर हो गए थे, लोग रो रहे थे। लेकिन इस बीच में छगन सिंह राजपुरोहित साहब भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और से विधायक हैं। विधायक जी बहुत स्वागत है आपका, कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके प्रयास रंग लाए हैं सर। जी जी सर, कैसा रहा, क्या रिएक्शंस अब लोगों के आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? जी अभी मैं उड़वाड़ा में ही बैठा हूँ, जनता के बीच में ही है। तो कल जो विषय हुआ था उसको लेकर सीएम साहब से मिले और उसको सीएम साहब ने भी उनको संवेदनशीलता बताते हुए उनको एक्शन लिया। आज हाई कोर्ट में हमारे इस सुनवाई हुई है और उस पर पूरे पर रिश्ते भी आ गया है। तो अभी ग्रामीणों